भोपाल में लूट का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 22 दिसंबर को एक बैंक के सामने कट्टा दिखाकर कलेक्शन एजेंट से बैग छीनने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम फैजान और आसन बताए जा रहे हैं। दोनों कोलार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन पर पहले भी अपराध दर्ज हुए थे। एक अन्य घटना दिसंबर में घटित हुई थी 22 दिसंबर को, जिसमें कि कोलार रोड के भीड़भाड़ वाले इलाके में आईसीआईसी बैंक के सामने ही सुबह 11:30 बजे एक लड़के का, जो बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था, उसका बैग छीनने का प्रयास किया गया था। लेकिन लुटेरों की बदकिस्मती से जो हमारा फरियादी था वो सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी मिली हुई थी, तो उसने उनको बैग छीनने नहीं दिया। बहरहाल हमने इसमें लूट के प्रयास का मुकदमा कायम किया था और हम लगातार इसमें भी प्रयास करते रहे थे। संयोगवश ये लूट की प्रयास की वारदात का भी खुलासा कल ही हो गया और इसमें 3 लुटेरे थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से कट्टा भी बरामद हो गया है और जिस मोटर स्कूटी लाल रंग की काइनेटिक से अटेम्प्ट किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। का अपराधी